हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक का क्या मतलब है। ठीक है, देखो ये दो वर्ड को कंबाइन करके उन्होंने बताया इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स को। देखो इस यूनिट में हमने करना क्या है, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस और स्टैटिक्स मीन रेस्ट। इसमें हमने देखना है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हमने चार्जेस की स्टडी करनी है, जब वो रेस्ट में होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है इस यूनिट में। ठीक है, ये मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्जेस क्या है। ठीक है, चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या एक चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं हम, डिफाइन चार्ज। ठीक है, देखो चार्ज क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो चार्ज क्या है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। एक बॉडी के पास एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जिस एनर्जी के साथ वो किसी दूसरी बॉडी को, एक बॉडी मतलब हर एक बॉडी, किसी भी बॉडी को आप ले सकते हो, कहते एवरी बॉडी मींस मतलब सभी बॉडीज के पास एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है, जिसके साथ वो क्या करते हैं, किसी दूसरी बॉडी को जहां तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी है एक बॉडी के पास, एवरी ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के साथ वो किसी अनदर बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं चार्ज, या फिर आप इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दे सकते हो, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। कहते हैं ये एनर्जी है एक बॉडी के पास, ठीक है, जिससे वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, और इस एनर्जी को वो पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो चार्ज के जो ऐसा यूनिट है हमारे पास, जो चार्ज के ऐसा यूनिट है वो होंगे कूलम। ठीक है, जैसे आपके लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर सेंटीमीटर, वैसे ही चार्ज के भी यूनिट है कूलम। ठीक है, इसे हम सिंबल से डिनोट करते हैं कैपिटल सी के साथ। ठीक है, तो इसके सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट अगर आप इसके देखे चार्ज के, तो हो गए स्टैट कूलम। ठीक है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है, स्टैट कूलम, और ऐसा यूनिट है इसके कूलम। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखें 1 कूलम में 3×10^9 स्टैट कूलम होते हैं। ठीक है, 1 कूलम में इतनी वैल्यू जो है स्टैट कूलम की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया चार्ज के बारे में। ठीक है, ऐसे यूनिट पढ़ ले, सीजीएस यूनिट पढ़ ले, तो अब हम देखते हैं इसका डिमेंशनल फार्मूला। डिमेंशनल फार्मूला कैसे इसका बनेगा वो देखते हैं हम। देखो डिमेंशनल फार्मूला सबसे पहले
आप अगर देखो करंट का आपके पास फॉर्मूला होता था I इज इक्वल टू चार्ज ओवर क्यू ओवर टी, चार्ज ओवर टाइम, ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। और अगर आप यहां से चार्ज का फॉर्मूला निकालो तो ये आपके पास आएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। तो आपके पास जो I को इन टर्म्स ऑफ डिमेंशन आप डिनोट करते हो कैपिटल A के साथ, जिसको आप बोलते हो एम्पेयर, और T को इन टर्म्स ऑफ डिमेंशन आप डिनोट करते हो कैपिटल T टाइम के साथ। तो अगर आप यहां पर लिखते हो कैपिटल A कैपिटल T, और आपके पास जो डिमेंशन आई चार्ज की वो आ गई A T, ये है इसका डिमेंशनल फार्मूला चार्ज का, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा चार्ज की डेफिनेशन, यूनिट और उसका डिमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ चार्जेस, मतलब टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितनी टाइप्स के चार्जेस होते हैं, ठीक है, जहां फिर काइंड्स ऑफ चार्जेस लिख लो आप, ठीक है। हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जैसे आपके प्रोटॉन्स से आप बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास टू टाइप्स है चार्जेस की। देखो बेटा जो चार्जेस की टाइप्स है, सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने चार्जेस की टाइप्स के बारे में सबसे पहले डिस्कवर किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो काइंड्स हैं, ठीक है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही डिस्कवर कर हमें बताया था, ठीक है। तो हमने चार्ज की डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर आप देखो चार्ज पैदा कहां कैसे होते हैं, ओरिजिन ऑफ चार्जेस क्या होगा, ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या होगा, मतलब चार्ज कैसे पैदा होते हैं। देख मान लो अगर दो बॉडीज हैं ए और बॉडी बी, अभी ये अनचार्ज बॉडी, ठीक है, चार्जेस कैसे पैदा होंगे, जब आप इन दोनों बॉडीज को रब करते हो, ठीक है, रब करते हो इन दोनों बॉडीज को रब करते हो, रब बन करने के बाद एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी मान लो, जब हम इसको रब करेंगे फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन अपने लूज करती है, ठीक है, और सेकंड बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ए ए और बी पहले न्यूट्रल बॉडीज है, ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो ऐसे पेयर होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आफ्टर रबिंग इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर बी बॉडी पर चलेंगे, ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो यहां पर दो स्पेस वेकेंट हो जाएगी और इसमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें पीछे जो चार्ज कितना बचेगा, इसमें देखो अब दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर बच गया और इसमें कितना यूनिट कितना नेगेटिव चार्ज आया, दो यूनिट इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होता। तो देखो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पर नेगेटिव चार्ज आए। तो यहां से हमने ये देखा
जो बॉडी रब करने पर इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो, अगर आप किसी ग्लास रोड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है, तो अगर आप ग्लास रोड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, बाद में अगर देखो उसी आप ग्लास रोड को किसी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लेकर जाते हो तो वो उसके साथ अट्रैक्ट करेगा, वो ग्लास रोड जो है जिसे आपने रब किया था सिल्क रोड के साथ। तो यहां से क्या शो हुआ, मीन जब ग्लास रोड आपने सिल्क रोड के साथ रब की तो ग्लास रोड पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफर हो गए सिल्क पर, सिल्क पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ग्लास रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए उस पर आ गया ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे जो है चार्ज किसी बॉडी पर पैदा होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।